सर्वावतारी मंगलकारी अनुपम अभिनव जन मनहारी छवि उज्ज्वल और नाम सुपावन सर्वोपरि श्री स्वामी नारायण दयाराम, मैं तुम्हें कब से पुकार रहा हूं? हे भगवान, इसे तो बहुत तेज बुखार है। मुझे दीवान जी को सूचित करना होगा। दीवान जी, दीवान जी, दीवान जी। पुजारी काका, इतनी आंधी तूफान में आप यहाँ इस समय? दीवान जी कहाँ हैं? बाबा तो इस समय घर पे नहीं है, पर बात क्या है, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? वो अपने राजपुरोहित दयाराम जी है ना, उन्हें बहुत तेज बुखार आ गया है। वो बेचारे बेसुध घर में पड़े हैं। ये तो अच्छा हुआ कि मैं उन्हें देखने के लिए वहाँ चला गया, क्योंकि आज वे सुबह से ही मंदिर में नहीं आए। बस इसी की सूचना देने के लिए मैं यहाँ पर आया था। अब मैं क्या करूँ हे प्रभु? पुजारी जी, अब तो आपको ही वैद्य जी को लेने जाना होगा। परंतु यदि मैं वैद्य जी को लेने गया तो ऐसी हालत में दयाराम जी के पास कौन रहेगा? उसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं उसके पास जाती हूँ। हो सकता है कुछ देर में माँ पिताजी भी आ जाए, परंतु आप समय नष्ट ना कीजिए, जल्दी जाइए और वैद्य जी को लेकर आइए। हाँ हाँ। गाड़ी क्यों रोक दी? बहुत भयंकर तूफान है दीवान जी, ऐसे में आगे नहीं जा सकते, हमें यही रुकना पड़ेगा। हिम्मत रखो, आगे बढ़ो, हमें घर पहुंचना है। क्षमा कीजिए दीवान जी, इतने आंधी तूफान में हम आगे नहीं जा सकते, बैल भी बेकाबू हो रहे हैं। इस तूफान के शांत होने तक हमें यहीं कहीं शरण लेनी होगी। ठीक है ठीक है, इन बैलों को किसी सुरक्षित स्थान पर बांध दे। चलो आ जाओ। पानी राजपुरोहित जी, लीजिए पानी पी लीजिए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? पता नहीं पुजारी काका कब वैद्य जी को लेकर आएंगे। सहजानंद स्वामी, इस तूफान में पुजारी जी की रक्षा करना। अरे, अभी तक आज ही मंदिर की साफ सफाई क्यों नहीं हुई? हाँ बहन, हर दिन तो पुजारी जी हमारे आने से पहले ही साफ सफाई कर देते हैं, लेकिन वो आज नजर ही नहीं आ रहे। पुजारी जी, पुजारी जी, पुजारी जी, पुजारी जी, पुजारी जी, कहीं पुजारी जी बीमार तो नहीं हो गए? हाँ, हो सकता है। वैसे भी वो कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे, शायद राजपुरोहित जी को पता हो, वही अक्सर इनकी देखरेख करते हैं। चलो उन्हीं से चलकर पूछते हैं। चलो। हे
भगवान, ये क्या घोर अनर्थ है। लो जी, करने आए थे भगवान के दर्शन, हो गए पाप के दर्शन। हमारा तो धर्म ही भ्रष्ट हो गया। अरे धर्म हमारा नहीं बल्कि इस कुलटा का हुआ है, जो एक पराए मर्द के साथ सो गई। अरे कोई इसे जाकर तो उठाओ। नहीं नहीं, इस पापन को ऐसी हालत में देखकर हमें ही पाप लग गया है, और अब इसे छूकर हम अपवित्र नहीं होना चाहती। मुंह काला करके अपना चेहरा किसे छुपा रही है? विमला काकी, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अरे कुलटा, तूने क्या किया है और क्या नहीं, ये सब हमने अपनी आंखों से देख ही लिया है। ची, 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 ची। किसी के चरित्र पर ऐसा लांछन लगाना महापाप है। वाह राज पुरोहित जी, अब एक पापी हमें पाप पुण्य का पाठ पढ़ाएगा। क्या बात है, क्या हुआ? होना क्या है पुजारी जी, बड़े शर्म की बात है, आप सुनेंगे तो आपको भी विश्वास नहीं होगा। लेकिन हुआ क्या है? ये सब तो आप जाकर अपनी बेटी से पूछे तो अच्छा होगा। केसराज पुरोहित ने और आपकी बेटी ने रात भर क्या गुल खिलाया? विमला, खबरदार जो मेरी बेटी के बारे में और एक भी शब्द कहा तो। किस किस को रोकेंगे आप? मैं तो कहती हूँ दीवान जी, आपका हम पर चिल्लाने से तो अच्छा यही होगा कि आप अपनी बेटी से जाकर सारी सच्चाई पूछ लें। चलो बहन। आखिर क्या आवश्यकता थी तुझे वहाँ जाने की? वो मर रहा था तो मर जाने देती ना, पर नहीं, तूने तो हमें जीते जी मार दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है माँ, क्या आपका मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं? यदि ऐसा ही है तो मुझे अपने हाथों से विष देकर मार दीजिए। तेरे मरने से हमारे माथे पर लगा हुआ यह कलंक नहीं मिटेगा। एक खोट तो तुझ में पहले ही था, अब इस लांछन के बाद तुझे कौन अपनाएगा? पिताजी आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं स्वामी नारायण भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ, आपकी बेटी गंगा जल की तरह पवित्र है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके कारण आपको लज्जित होना पड़े, आप मेरा विश्वास कीजिए। मेरे विश्वास करने से क्या होता है, मैं समाज को कैसे विश्वास दिलाऊं कि तू जो कुछ कह रही है वही सत्य है? समाज को विश्वास दिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है दीवान जी, हमारी संध्या निष्पाप है। चांद में दाग हो सकता है लेकिन इसमें नहीं। दाग तो हमारी बेटी के चरित्र पर लग चुका है पुजारी जी, मुझे झूठी तसल्ली मत दीजिए, मेरी बेटी बदनाम हो चुकी है, अब उसका हाथ कोई नहीं थामने वाला है। जो कुछ भी हुआ मुझे उसका अफसोस है, ये सब मेरे ही कारण हुआ है, इसलिए अब मैं ये राज्य ही छोड़कर चला जाता हूँ। तुम्हारे चले जाने से मेरी बेटी पर लगा हुआ कलंक नहीं मिटेगा, अब कौन उसका हाथ थामेगा, कौन उससे विवाह करेगा? इस दुनिया में साहसी और सत्पुरुषों की कोई कमी नहीं है। यदि ऐसा है तो ये साहसी कार्य आप स्वयं क्यों नहीं कर लेते राज पुरोहित जी? एक माँ अपनी झोली फैलाकर आपके सामने अपनी बेटी के सुहाग की भीख मांग रही है दयाराम जी, कृपा करके मेरी बेटी को अपना लीजिए, अन्यथा हमारे घर से एक साथ तीन तीन अर्थियां उठेंगी। जो
जब तुम्हारा विवाह संपन्न हो जाएगा और सुहाग रात के कुछ ही क्षणों में जब तुम अपनी पत्नी का चेहरा देखोगे उन्हीं कुछ क्षणों में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। क्या सोच रहे हो दयाराम? हाँ कह दो, कदाचित यही भगवान की इच्छा है। यदि मेरी मृत्यु संध्या को उसका मान सम्मान लौटा सकती है तो मुझे ये स्वीकार है। आप विवाह की तैयारी कीजिए। इसे कहते हैं भाग्य का खेल। जिस विवाह शब्द से भागकर दयाराम यहाँ चला आया वही विवाह आज पुनः उसके सामने मृत्यु बनकर खड़ा है। अब देखना यह है इंद्रदेव कि संध्या को मिला हुआ अखंड सौभाग्यवती का वरदान कैसे पूरा होता है। परंतु देवर्षि, मृत्यु तो अटल है, उसे आज तक कोई टाल नहीं पाया है, तो भला दयाराम उससे कैसे बचेगा? नारायण नारायण, लगता है अब यह पहेली तो उलझती ही जा रही है। अब क्या होगा देवर्षि? अब होगा तो वही जो प्रभु चाहेंगे, और प्रभु क्या चाहते हैं ये तो सिवाय उनके कोई जानता ही नहीं है। नारायण नारायण। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय मनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय मनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय मनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय मनोहरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमं प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमं प्रभा विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे जीवन का वो सबसे सुंदर पल आ ही गया जब मेरे पति अपने हाथों से मेरा घूंघट हटाएंगे, किंतु कहीं उन्होंने मेरे कुरूप चेहरे को देखकर मुझे ठुकरा दिया तो? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। नहीं, आशा है आप मुझसे विवाह करके प्रसन्न होंगी, और अब पत्नी होने के नाते मेरी हर आज्ञा को मानेंगी। आपकी हर आज्ञा को मैं अपनी अंतिम सांस तक मानूंगी, आप आदेश दीजिए। तुम्हारा पति होने के नाते मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम जीवन भर
अपना ये घूंघट मेरे सामने कभी नहीं हटाओ, मुझे अपना चेहरा कभी नहीं दिखाओ और ना ही इस विषय पर मुझसे कभी कोई सवाल करोगी कि मैंने ये निर्णय क्यों लिया है। तुमने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया संध्या। आपने जो मुझे आदेश दिया है उसका मैं जीवन भर पालन करूंगी। आपने मुझसे ब्याह कर आपने मुझ पर और मेरे माता पिता पर जो उपकार किया है उसे मैं 7 जन्मों तक नहीं भुला सकती। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं कभी अपना घूंघट आपके सामने नहीं उठाऊंगी और न ही इस संबंध में मैं आपसे कोई सवाल करूंगी। किंतु आपको भी मेरी एक विनती माननी होगी। कैसी विनती? हर औरत के लिए उसका असली घर उसका ससुराल होता है, इसलिए आप मुझे मेरे ससुराल ले चलिए, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि ये बात माँ पिताजी को पता चले। यदि ऐसा हुआ तो उन्हें बहुत दुख पहुँचेगा। आज मैं बहुत खुश हूँ स्वामी, आज मेरी बेटी विवाह के बाद पहली बार ससुराल गई है। आशा करती हूँ कि उसके सास ससुर उसे खुशी खुशी स्वीकार लेंगे। हाँ संध्या की माँ, और ये सब सहजानंद स्वामी जी की कृपा से हुआ है, जिनके आशीर्वाद से हमारी बेटी संध्या को दयाराम जैसा वर मिला है। अब देखना हमारी बेटी के जीवन में सुख ही सुख होंगे। उसका गुण, उसके आदर्श उसके ससुराल को, उसके जीवन को खुशियों से भर देंगे। उसकी कुरूपता का अंधेरा भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। माँ, तू आ गया मेरे लाल। ये कौन है बेटा? ये आपकी बहू संध्या है माँ। विवाह के पश्चात जैसे जैसेनी का मुंह देखा मैं मर जाऊं, क्या ये क्या कह रहा है तू? सब कुछ जानते हुए भी तूने अपनी मौत को गले लगा लिया। निकल जाए इस घर से और फिर कभी इस घर में अपना कदम मत रखना। क्या कर रही हो? छोड़ दो इसे। तुम चुप रहो। शांति, ये तुम क्या कर रही हो? संध्या इस घर की बहू है। आप शायद ये भूल रहे हैं कि ये बहू के रूप में अपने बेटे की मृत्यु है। मैं इसे इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगी। माँ, ये आप क्या अनर्थ कर रही हैं? मैंने यदि संध्या के साथ विवाह किया है तो इसमें इस बेचारी का कोई दोष नहीं है। ये सब तो मेरे भाग्य का खेल है। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्यों और किन हालात में संध्या से विवाह किया है। उस दिन संध्या को मेरे साथ देखकर लोगों ने उसके चरित्र पर लांछन लगाया और मेरे पास उसके साथ विवाह करने से और कोई रास्ता नहीं था। हालात चाहे कुछ भी रहे हों, लेकिन तुझे ये विवाह नहीं करना चाहिए था। तुझे सारी सच्चाई उन लोगों को बता देनी चाहिए थी। नहीं माँ, नहीं, मेरे पास उस समय और कोई रास्ता नहीं था। और ये सच मैंने ना ही तो संध्या को बताया है और ना ही उसके घर वालों को। और आपसे भी मैं यही चाहता हूँ कि आप उसे इस बात के बारे में कभी बता नहीं देंगे। मैंने उससे वचन लिया है कि वो कभी भी मेरे सामने अपना चेहरा नहीं दिखाएगी, सदा घूंघट में ही रहेगी, ताकि वो यही समझती रहे कि वो कुरूप है और इसी कारण मैं उसका चेहरा नहीं देखना चाहता। कि मैं उसे ये सच बताकर जीते जी नहीं मारना चाहता। शायद यही मेरे भाग्य का खेल है। आखिर मैं कैसे अपने पति की मृत्यु का कारण हो सकती हूँ, जबकि मुझे तो अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिला है। हे शहजानंद स्वामी, ये आपने मुझे किस पहेली में उलझा दिया? अब आप ही मुझे इस पहेली से निकालिए।
भगवान, तेरा चेहरा तो सच में बड़ा ही भयावह है। अच्छा ही हुआ कि मेरे बेटे ने तुझे अपना चेहरा घूंघट में ही रखने को कहा है। यदि वो ये चेहरा देख लेगा तो डर के मारे तो उसके तो प्राण ही निकल जाएंगे। याद रख बहू, तू आज के बाद गली मोहल्ले तो क्या, इस कक्ष में भी ये घूंघट नहीं हटाएगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हे सहजानंद स्वामी, मेरा दुर्भाग्य आखिर कब तक मेरा पीछा करता रहेगा? कब मुझे अपने इस दुख से मुक्ति मिलेगी? अब मैं क्या करूं प्रभु, कहां जाऊं? बाबुल का घर अब पराया हो चुका है और ससुराल ने भी मुझे अब तक नहीं अपनाया। मैं किस ओर जाऊं प्रभु? मुझ दुखियारी को कोई तो राह दिखाइए। हे प्रभु, अब आप ही मुझे कोई राह दिखाइए। हे प्रभु, अब आप ही मुझे कोई राह दिखाइए। संध्या पुत्री, उठो संध्या। आप कौन हैं? मैं वही हूँ जो इस जगत के समस्त जीवधारियों के प्राणों में बसा हूँ। मैं वही हूँ जो तुम्हारे प्राण बनकर तुम्हारे हृदय में रहता हूँ। मैं वही हूँ जो जीवन और मृत्यु का रचयिता हूँ। मैं अनंत हूँ, अनंदी हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ। प्राण, अग्नि, वायु, जल, मिट्टी, इन सब में मैं ही हूँ। नारायणों का स्वामी, अक्षरधाम का अधिपति, मैं सर्वोपरि श्री स्वामी नारायण भगवान हूँ। आप सर्वोपरि श्री स्वामी नारायण भगवान हैं? हाँ पुत्री। तब तो आप ये भी जानते होंगे प्रभु कि मैंने आपको क्यों पुकारा है। जानते हैं पुत्री, और तुम्हारे कल्याण हेतु ही हम यहाँ आए हैं। आज हम तुम्हें एक कल्याणकारी महामंत्र बताते हैं, जिसका एक बार सच्चे और पवित्र मन से जाप करने पर वही मनोवांछित फल मिलता है जो हजारों बार किसी और मंत्र का जाप करने से भी नहीं मिलता। तुम उस महामंत्र का जाप करो, तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। हे प्रभु, बताइए वो कल्याणकारी महामंत्र क्या है? ओम श्री पूर्ण पुरुषोत्तम स्वामी नारायणाय नमः। पुरुषोत्तम स्वामी नारायणाय नमः। तू क्यों मेरे बेटे की जान की दुश्मन बनी बैठी है? तुझसे कितनी बार कहा है कि अपना ये कुरूप चेहरा ढक के रखा कर, और ये पूजा की थाली लेकर कहाँ जा रही है? कुछ नहीं होने वाला तेरी इस पूजा अर्चना से। तेरे साथ साथ हमारा भी भाग्य फूट चुका है। चल जा, भीतर जाके बैठ। सद्गुरु स्वामी प्रभु जय, सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयानिधि, सहजानंद दयानिधि देवन में नामी। प्रभु जय सद्गुरु स्वामी,
सहजानंद की आरती प्रेम सहित गाएं, जो भक्ति सहित गाएं। देखो बेटी, इस तरह नई नवेली दुल्हन को खुले मुंह बाहर जाना शोभा नहीं देता। लोग क्या कहेंगे? यदि तुम्हें जाना ही है तो मेरे साथ घूंघट लेकर चलो, क्या पता तेरी इस पूजा अर्चना से स्वामी नारायण भगवान प्रसन्न होकर तेरे सारे कष्टों को दूर कर दें। तो क्या आप मेरे साथ चलेंगी माँ जी? हाँ बेटी, क्यों नहीं, चलो। ओ शांति बहन, कहाँ है दयानंद की बीवी? अरे चमेली काकी, आप? हाँ बेटा, शुक्र है तूने मुझे पहचान तो लिया। अब जरा अपनी दुल्हन से भी पहचान कराओ। वो तो अभी घर पर नहीं है काकी, अब बाद में आ जाना। भाभी आई, भाभी आई। अरे क्या बात है, आज पूरा मोहल्ला यहाँ कैसे जमा हो गया? अपने दयाराम की बहू को देखने आए हैं सब। अब जरा जल्दी से बहू का चेहरा दिखाओ। नारायण भगवान, मेरी लाज रखना। दयाराम की बहू को इतने दिनों तक क्यों घर में छुपा के रखा? सच में दयाराम, तू बहुत किस्मत वाला है, एकदम चांद का टुकड़ा है हमारी बहू। अरे बहू, जरा रसोई में जाकर देख तो, मैं दूध रखकर भूल गई थी, कहीं उबल ना गया हो। जी माँ जी। भाई मान गए दयाराम की पसंद को, भगवान तुम्हारी जोड़ी को बनाए रखे। चलो चमेली काकी। त्रिविधम् नरकस्येदम् द्वारम् नाशन मात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयम् त्यजेत्। नरक के तीन द्वार होते हैं, काम, क्रोध एवं लोभ।
अतः जो लोग इसे जानते हैं वो इसमें कभी प्रवेश नहीं करते। ये सब क्या है बेटा? ये मोक्ष पाने की तैयारी है माँ, अतः मैं अपने मृत्यु के पूर्व गीता पाठ करके उसे सहज बना रहा हूं। रो मत मां, होनी को कौन टाल सकता है, जो होना है सो तो होकर ही रहेगा। किंतु जाने से पहले मैं आपसे एक वचन लेना चाहता हूं कि मेरी मृत्यु के बाद आप संध्या को कभी कोई कष्ट नहीं होने देंगी और उसे ये सारी सच्चाई बता देंगी कि मैंने उसका चेहरा इसीलिए नहीं देखा कि वो कुरूप है, बल्कि इसीलिए नहीं देखा कि कहीं मेरी अकाल मृत्यु से उसकी मांग का सिंदूर ना उजड़ जाए, कि वो सुहागन बनते ही कहीं विधवा ना हो जाए जिसकी भविष्यवाणी यमदूत ने की थी कि जैसे ही विवाह के बाद मैं अपनी पत्नी का चेहरा देखूंगा उसके कुछ ही पलों में मेरी मृत्यु हो जाएगी। मेरी खुशी और मेरे मांग के सिंदूर को सलामत रखने के लिए मेरे पति ने कितना बड़ा निर्णय लिया था, और मैं न जाने क्या सोचती रही, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ॐ पूर्ण पुरुषोत्तम नारायणाय नमः। ॐ पूर्ण पुरुषोत्तम नारायणाय नमः। सर्वावतारी मंगलकारी, अनुपम अभिनव जन मनहारी, छवि उज्ज्वल और नाम सुपावन, सर्वोपरि श्री स्वामी नारायण। सर्वावतारी मंगलकारी, अनुपम अभिनव जन मनहारी। चलो भाई, ले चलो मुझे, मैं अभी इस मृत्यु के भय से तिल तिल कर मरना नहीं चाहता। परंतु हम तुम्हें लेने के लिए नहीं आए हैं दयाराम। बल्कि हम तो तुम्हारे उस अकाल मृत्यु के भय को निकालने आए हैं, क्योंकि अब तुम्हारी मृत्यु टल चुकी है। किंतु ये कैसे संभव है यमदूत जी? तुम्हारी पत्नी संध्या के कारण ही ये संभव हुआ है। वो स्वामीनारायण भगवान की अनन्य भक्त है, उसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिला है, इसीलिए स्वामीनारायण जी की कृपा से तुम सारे सुखों को भोग कर ही मृत्यु को प्राप्त होते हुए अक्षरधाम में वास करोगे। संध्या, तुम्हारी पूजा सफल हुई। संध्या, मेरी अकाल मृत्यु का योग टल गया है।
अभी अभी यमदूत स्वामी नारायण भगवान का यही संदेश लेकर आए थे, और ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही कारण हुआ है संध्या। मैं धन्य हूं कि मुझे तुम जैसी जीवन संघिनी मिली, जिसने आज भक्ति और श्रद्धा से यमराज को भी अपना निर्णय बदलने पर मजबूर कर दिया है। अब मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अब हमेशा तुम्हारा ये चेहरा देख सकता हूं। सच मैं बहुत भाग्यवान हूं। मैं तो ये पहले से ही जानती थी स्वामी कि आपकी अकाल मृत्यु हो ही नहीं सकती, क्योंकि सर्वोपरि श्री स्वामी नारायण भगवान ने मुझे विवाह से पूर्व ही अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया था। किंतु यदि ये बात स्वयं बताती तो कदाचित आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता, पर आज उन्हीं के प्रताप से आपकी अकाल मृत्यु की भविष्यवाणी करने वाले यमदूत ने स्वयं आकर आपको भगवान स्वामी नारायण का आदेश सुनाया है। अब मैं हमेशा सुहागन रहूंगी। सच्ची श्रद्धा और भक्ति ये दोनों ऐसे माध्यम हैं जिसके सामने प्रभु भी अपना सर झुकाते हैं और अपने ही बताए हुए जीवन और मृत्यु के नियमों को बदल देते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो सहज भाव से अधिक होकर अपने प्रभु में निष्ठा और विश्वास बनाए रखे और धर्म के मार्ग पर चलता रहे, सत्कर्म करता रहे, फिर तो सारी दुनिया के सुख उसकी झोली में आ गिरते हैं और वो अपना कुटुंब जीवन सुख से व्यतीत करता है और इस दुनिया रूपी माया जाल से मुक्त होकर अक्षरधाम में मोक्ष को प्राप्त होता है। बोलो श्री सहजानंद स्वामी जी की जय। बोलो श्री सहजानंद स्वामी जी की जय।